हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिवर्सल कंट्रोलर के बारे में, जो कि सभी तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर में लग जाएगा, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या इलेक्ट्रिक साइकिल हो। ये जो कंट्रोलर है वो 800 से 1000 वाट तक का पावर जो है वो आउटपुट निकालता है, जो कि 32 एम्पियर का लोड करंट रहता है और 48 और 60 वोल्ट दोनों पे चलता है। इसमें एल्यूमिनियम बॉडी मिल जाती है ब्लैक कलर की फिनिश के साथ और दोनों तरफ से इसमें जो है वो पैकिंग लगी हुई है। इसके बाहर आपको इस तरह से निकले हुए मिलेंगे और ये जो कंट्रोलर है वो साइन वेव कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर जो है वो स्प्रे प्रूफ रहता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पानी वगैरह लगेगा तो वो ख़राब नहीं होगा। और ये वायरिंग के बारे में डिटेल देता हूँ मैं आपको। लाल और ये काला वाला वायर जो है वो बैटरी का इनपुट है। आप इसमें 48 और 60 दोनों बैटरी को इनपुट दे सकते हैं। ये तीनों जो कलर हैं वो मोटर के फेज वायर हैं, जो कि मोटर से अटैच होंगे कलर के हिसाब से। इसके बाद में इसमें आप देखेंगे ये आएगा इसका की स्विच वायर, जो कि रेड कलर का है। इस पर आप देखेंगे मेंशन किया गया है, कई बार इसमें अलग अलग नामों से बोला जाता है, लेकिन ये जो है वो पावर का है, जिसमें जो पॉजिटिव पावर है बैटरी का, चाहे वो 48 वोल्ट हो या 60 वोल्ट हो, उसको जोड़ा जाएगा तभी ये पूरा सिस्टम काम करना चालू होगा, जिसको की स्विच भी बोलते हैं। ये जो है वो थ्री वायर एक्सीलेटर का है। इसमें तीन वायर होते हैं, ग्रीन, ब्लैक और रेड। ये तीनों को कलर के हिसाब से जोड़ना पड़ता है, नहीं तो एक्सीलेटर काम नहीं करता है। और ये वाला जो है वो थ्री स्पीड मोड है, जो कि 1-2-3 स्पीड मोड इलेक्ट्रिक स्कूटी साइकिल में या रिक्शे में रहते हैं, ये उसके कनेक्शन के लिए रहता है। इसके बाद में हमें मिलेगा रिवर्स का स्विच। ये वाला जो है इसमें दो वायर रहते हैं, जब दोनों को आपस में टच किया जाता है तो ये मोटर जो है वो उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगती है, इसको रिवर्स स्विच बोलते हैं। ये एक्सीलेटर से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद में ये दोनों जो हैं वो सेंट्रल लॉकिंग के हैं, जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम आता है सेंट्रल लॉकिंग, अलार्म स्विच भी बोलते हैं जिसको, उसमें आएंगे। ये दोनों सॉकेट उसी में लगते हैं। इसके बाद में ये वाला वायर जो है वो हॉल सेंसर का सॉकेट है, जिसमें 6 पिन वाला सॉकेट यूज़ किया रहता है और इसमें 5 वायर अटैच रहते हैं। कलर के हिसाब से इसको जोड़ा जाता है मोटर के साथ में, इसको हॉल सेंसर बोलेंगे। इसके बाद में ये वाला मिलेगा हमारे लिए, ये है जो वो लो लेवल ब्रेक है। इन दोनों को जब आपस में टच किया जाएगा सेंसर के थ्रू तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा और आपका जो एक्सीलेटर आपने खींचा हुआ है वो फ्री हो जाएगा। ये ब्रेक अप्लाई करने के लिए रहता है, जिससे जो कंट्रोलर के सॉकेट में पावर है वो रिवर्स बैटरी में चला जाता है। ये वाला जो है वो हाई ब्रेक का है, इसको सेंसर के साथ जोड़ा जाएगा, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी में कट ऑफ का सेंसर रहता है। ये वाला जो है वो डिजिटल मीटर में मल्टीफंक्शन डिटेल, जैसे कि एक्सीलेटर शॉर्ट, मोटर ओवरलोड या फिर मीटर की स्पीड को डिटेक्ट करने के काम आता है। इसके बाद में बचेगा ये वाला सॉकेट, जो कि सेल्फ स्टडी का वायर है, जिसमें आप अलग अलग तरह की मोटर जोड़ सकते हैं। और ये एक यूनिवर्सल कंट्रोलर है, जिसमें आप हब मोटर, चेन ड्राइव मोटर और ई रिक्शे की जो लोडेड मोटर आती है वो सभी तरह का आप चला सकते हैं, जिसको लर्निंग इनपुट देने के लिए इसको आपस में आप जोड़ेंगे और किसी भी तरह की मोटर के साथ ये सिंक्रोनाइज कर लेगा अपने आप को। ये जो है वो यूनिवर्सल कंट्रोलर है, जो कि साइकिल की हब मोटर, बाइक की हब मोटर, स्कूटी की हब मोटर, चेन ड्राइव मोटर, रिक्शा की मोटर, पैडलर रिक्शा की मोटर, सभी तरह की अलग अलग मोटर के साथ में ये चल जाएगा। 1000 वाट तक की मोटर को आप इससे जोड़ सकते हैं और उससे नीचे की भी सारी मोटर को जोड़ सकते हैं। इसकी सारी वायरिंग डिटेल मैंने आपको वीडियो में दे दी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।